नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है मोतिहारी से। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने गांधी मैदान से परिवार नियोजन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा, बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ पूर्वी चंपारण जिले में भी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट लाना होगा और इसके लिए परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। इसी के तहत सरकार ने परिवार नियोजन के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत आज जिले में जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है। रथ के नेतृत्व करने वाले टीम जगह जगह पर रथ पर लगे ऑडियो सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही उस स्थल की तस्वीर को भी जिला मुख्यालय में भेजकर प्रचार प्रसार की गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आगे उन्होंने बताया कि परिवार नियोजन जागरूकता अभियान केयर इंडिया स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में पूर्वी चंपारण के सभी प्रखंडों में दो दो जागरूकता रथ लोगों के बीच परिवार नियोजन के बारे में लोगों को बताएंगे। आगे उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता लाकर ही जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जा सकती है। जागरूकता रथ सभी प्रखंडों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में भी जाएगी। मौके पर सिविल सर्जन एवं जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मोतिहारी संवाददाता रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो है परिवार नियोजन के लिए ये जागरूकता रथ जो है पर ब्लॉक दो के हिसाब से टोटल 54 रथ जो है प्रचार रथ भेजे जा रहे हैं। देखिए कि हम सब लोगों को पता चल गया है कि पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस हो रहा है, जो लोकसंख्या जनसंख्या की घनता जो है बढ़ रही है और बिहार उनमें से एक वन ऑफ द बिग स्टेट है और घनता भी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने केयर इंडिया स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये तय किया है कि प्रचार करके लोगों को कन्विंस करके ही जो है हम लोग जो है परिवार नियोजन कर सकते हैं। अगर परिवार नियोजन हम करेंगे तो निश्चित ही जो है पूरे राज्य का भी हौसला बढ़ेगा और ये जो पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस है ये नहीं होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट हम देखेंगे तो काम अच्छा हो रहा है कि 3.2 था इस ज़िले में, वो 2.9 के करीब अभी वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो प्रचार रथ है इनके साथ एक जियो टैग ऐप भी दिया गया है, वो जाते हैं महादलित टोले में जो VHSND हमारा डे होता है उसमें, और वहाँ पर जाके जो है प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ से एक फ़ोटो भी भेजते हैं जिसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी रिकॉर्डेड रहती है। और क्योंकि इस ऐसे टोले को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो उद्देश्य यही है कि वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है और वो सबसे गरीब लोग भी है, क्योंकि जहाँ पे परिवार नियोजन की जो बात है वो उनको समझाना है। परिवार नियोजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे बेनिफिशरी कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्लाइंट कंसेप्ट है। परिवार नियोजन के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे उपाय है, तकनीक है जिससे हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को चुनना है कि हम किस टेक्निक को यूज़ करेंगे और सारे ये जो तकनीक है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है संचालित किए जा रहे हैं, उसमें पार्टनर एजेंसी जो है हमारी केयर इंडिया जो है, साथ ही में यूनिसेफ और WHO भी जो है हमको मदद करते हैं। तो मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया। सर, ये प्रचार रथ क्या हर प्रखंड में हर गांव में जाएगा? हर प्रखंड के हर गांव के महादलित टोलों में पहले हमने इसको टारगेट किया है और इसका जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, जो मैंने बात कहा कि जो टैग जो फोटो जो भेजते हैं उसमें जो है, और एक जिंगल यहाँ पे विभाग के द्वारा जो निर्गत किया गया।